जिला रोजगार कार्यालय में आयोजित प्लेसमेंट कार्यक्रम में बेरोजगारों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि बेमित्रा के संयुक्त जिला कार्यालय में स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें एसबीआई लाइफ ब्रांच कवर्धा एलएम ने 100 पद के लिए कैंप का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से सैकड़ों बेरोजगार युवा आवेदन करने के लिए पहुंचे, लेकिन आए हुए अधिकारियों की ओर से आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क 800 रुपए देने की बात की गई, जिसके बाद बेरोजगार नाराज हो गए और कार्यालय में जमकर हंगामा कर दिया। हम लोग बोले तो और बोलता है, हम लोग सीधे यहाँ पे प्लेस स्कीम लगा है जिला रोजगार व स्वरोजगार जिला बेमित्रा में, जिसमें हम लोग सभी बच्चे आए थे। हम सभी बच्चे आए थे तो हम लोग फॉर्म जमा किए, उसके बाद हम लोग को बताया गया कि 800 से 700 के हिसाब से आपको परीक्षा शुल्क के लिए लगेगा। ऐसा करके जब फॉर्म जमा किए तो बोले, उसके बाद हम लोग बोले सर आप इतिहास जिस तरीके से दिए हो उसमें आप दर्शाए क्यों नहीं। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी फीस माफ कर दी है, तो मैं उस पर इन लोगों का ये कहना चाह रहा था कि दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट आईआरडी जैसे एसबीआई है, एसबीआई के लिए किसी भी कलर या किसी भी एग्जाम को कोई फीस माफ नहीं हुई है, वो सारे में फीस लग रहा है, या रेलवे का एग्जाम है उसमें भी फीस लग रहा है।